हेलो दोस्तों, ट्रेंडिंग एडी में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में कैटरीना कैफ और सलमान खान के बारे में सब जानते हैं। दोनों का अफेयर एक वक्त काफी सुर्खियों में रहा था। हालांकि ये कपल ब्रेकअप के इतने साल बाद भी दोस्त हैं। ऐसे में सलमान खान की बहन अर्पिता की शादी नवंबर 2014 में हुई थी और इसमें कई सारे सितारे ने शिरकत की थी। सितारों से सजी इस शादी में सलमान खान ने इंडस्ट्री में अपने तमाम नए पुराने दोस्तों को शादी में बुलाया था। शादी में सलमान की एक्स कैटरीना कैफ भी मौजूद थी और इस दौरान उन्होंने खुलेआम कैटरीना से अपने प्यार का इजहार किया था। इतना ही नहीं, दबंग खान ने इशारों ही इशारों में ये भी बता दिया था कि वो कैटरीना कैफ के लिए शादी तक करने को तैयार थे। सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता खान की शादी में मेहमानों के सामने कैटरीना का मजाक उड़ाया था। सलमान ने मेहमानों के सामने कहा था मिसेस खान बनने का मौका दिया था, लेकिन वो मिसेस कपूर बन गई। अर्पिता की शादी में सलमान ने कैटरीना कैफ को मिसेस कपूर कहकर बुलाया था। हालांकि रणवीर कपूर से अलग होने के बाद सलमान और कैटरीना ने दोबारा साथ काम करना शुरू कर दिया था और आज दोनों के रिश्ते अच्छे हैं। सलमान यहीं पर नहीं रुके। इस दौरान सलमान ने कहा था कि कैटरीना कैफ तुम्हारा गाना बज रहा है, कृपया स्टेज पर आए। इस दौरान कैटरीना करण जौहर के पीछे छिप गई। इसके बाद माइक पर सबके सामने सलमान ने कहा कि चलो ठीक है, कैटरीना कैफ नहीं कैटरीना कपूर, कृपया स्टेज पर आए। बता दे कि सलमान और कैटरीना ने युवराज, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और भारत जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया है। ऐसे ही और भी रिसेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी मजा दे पाया है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।